Well, dear students, the course is Labor Policy Pakistan, and the topic is Legal Consequences of Unwritten Constitution. Unwritten Constitution is scattered in many documents, whereas, written Constitution is not. तो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन के एडवांटेजेस जो हैं अगर हम समझ लेंगे तो हमें डिसएडवांटेजेस ऑफ अन रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन बड़ी आसानी से समझ आ जाएंगे। रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी कर रहा है फंडामेंटल राइट्स को गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म रूल ऑफ लॉ के ताबे है जो ऑर्गन्स ऑफ स्टेट हैं जिसमें लेजिस्लेचर एग्जैक्टिव जुडिशरी है वो अपनी अपनी पावर्स जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव करती हैं और किसी भी मुल्क में दो लॉज जो हैं बड़े आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पावर्स देता है एग्जेक्टिव को एग्जैक्टिव उसको एक्सरसाइज करती है अकॉर्डिंग टू लॉ अगर कहीं किसी सिटीजन का फंडामेंटल राइट right जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं और आप पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जाके पढ़िएगा और फंडामेंटल राइट्स को ध्यान से पढ़ें वो आपके राइट्स हैं और अगर कोई एग्जेक्टिव अथॉरिटी आपके उस राइट right को वायोलेट करती है वायोलेट से मुराद है गोइंग अगेंस्ट दैट राइट फाइल अ रेट पिटिशन बिफोर हाईकोर्ट एटसेट्रा तो कॉन्स्टिट्यूशन अगर कोई ऑर्गन ऑफ स्टेट है लेखा वो लेजिस्लेचर हो एग्जेक्टिव हो फंडामेंटल राइट right को इन्फ्रिंज कर रही है तो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन उसको प्रोटेक्ट करता है सेपरेशन ऑफ पावर्स देता है बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करता है एक और बात आपको यहां समझना बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान एक रिपब्लिक स्टेट है यह रिपब्लिक क्या होती है यह कॉन्स्टिट्यूशन के बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकती रिपब्लिक अ स्टेट इन विच सुप्रीम पावर इज हेल्ड बाय द पीपल तो आप जिस स्टेट में रही रह रहे हैं यहां पर जो सुप्रीम पावर है वो अल्लाह के बाद लोगों के पास है एंड देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस से ये पावर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के पास आती है और उसके बाद ये पावर्स जो है वो एक्सरसाइज करते हैं तो रिपब्लिक कैसी है ऐसी स्टेट का नाम है जहां पर लोग अपना नुमाइंदा रेप्रजेंटेटिव इलेक्शन के जरिए से खुद चूज करते हैं अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेशन ऑफ पावर एग्जिस्ट नहीं करती इसका मतलब यह हुआ कि एक ही शख्स में या एक ही इंस्टीट्यूशन में जब तीनों पावर्स आ जाएंगी यानी वो कानून भी बनाएगा उसको इन्फोर्स भी करेगा और अगर कोई डिस्प्यूट आएगा तो खुद ही फैसला करेगा तो ये तो डिस्पोटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गई ये तो मोनार्की होगी तो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये इन तीनों ऑर्गन के दरमियान सेपरेशन ऑफ पावर को बैलेंस करता है आइए सेपरेशन ऑफ पावर को भी डिस्कस कर लेते हैं आप क्योंकि लेबर पॉलिसी पाकिस्तान पढ़ रहे हैं तो नेचुरली आपका लॉज के साथ वास्ता पड़ेगा लजिस्लेचर बनाने वाले उनके साथ वास्ता पड़ेगा कानून बनाने वालों के साथ वास्ता पड़ेगा कानून की एनफोर्समेंट करने वालों के साथ वास्ता पड़ेगा और जुडिशरी के साथ भी आपका रिलेशनशिप रहेगा तो आपको पता होना चाहिए ये सेपरेशन ऑफ पावर क्या है सेपरेशन ऑफ पावर की जो डॉक्ट्रिन है डॉक्ट्रिन कहते हैं प्रिंसिपल को असूल को ये फॉर्मुलेट हुई थी इन 1748 बाय मॉन्टेस्की और मॉन्टेस्की ने फॉलो किया था एरिस्टोटल एंड जॉन लॉक को जो कि सेलिब्रेटेड फिलोसफर्स हैं द डॉक्टरिंग स्टेट्स वन पावर शुड बी अ चेक ऑन एन अदर वेन द लेजिस्लेटिव एंड एग्जेक्टिव पावर आर यूनाइटेड इन द सेम पर्सन और बॉडी देर कैन बी नो लिबर्टी तो सेपरेशन ऑफ पावर जो है ये लिबर्टी को गारंटी करती है जो कि सिटीजन को अवेलेबल है The function of protecting the rights of individuals and minorities against legislative infringement cannot be accomplished in an extremely flexible unwritten constitution. Such accomplishment is only possible, ladies and gentlemen, in a rigid written constitution. So, dear student, so the fundamental rights such as prohibition against slavery forced labor and traffic in human beings available to the citizen of pakistan can only be protected only in the presence of sound written constitution hope you have understood the topic thank you